नमस्कार दोस्तों, मैं विजयलक्ष्मी आप सभी का अपने चैनल विमेंस गार्डन में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूं अपनी गार्डन की पुरानी मिट्टी को शक्तिशाली और उपजाऊ कैसे बनाएं। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो टेरेस में गार्डनिंग गमले, ग्रो बैग और बोरी में करते हैं। गमले की पुरानी मिट्टी को रिचार्ज और रीफर्टिलाइज करके फिर से इस्तेमाल करने का बेस्ट तरीका बताऊंगी, ताकि गमले की मिट्टी शक्तिशाली और हेल्दी बन जाए। दोस्तों, समय के साथ साथ गमले की मिट्टी अपना पोषक तत्व खो देती है। मतलब गमले में एक बार पौधे लगाने के बाद उसमें फल फूल मिलते तक मिट्टी की गुणवत्ता और पोषक तत्व कम हो जाती है। इसलिए पौधों को सेहतमंद बनाए रखने के लिए गमले की पुरानी मिट्टी को एक फसल लेने के बाद उसे फिर से रिचार्ज करना ज़रूरी होता है। पुरानी मिट्टी में सड़ी हुई गोबर की खाद और कंपोस्ट मिलाने से पुरानी मिट्टी में सूक्ष्म जीवों का साइकिल फिर से शुरू हो जाता है, जिससे मिट्टी फर्टाइल होने लगती है। दोस्तों, यह सभी मिट्टी मेरे विंटर के टमाटर के हैं जो 20 बोरी में लगी थी। टमाटर के पौधों का समय समाप्त होने के बाद इसे खाली कर ली हूँ। इस मिट्टी को 4 से 5 दिनों तक तेज़ धूप में सुखाई हूँ। अगर मिट्टी कम हो तो 2 दिन में ही अच्छे से सूख जाएगी, लेकिन मेरी मिट्टी बहुत ज़्यादा थी इसलिए 4-5 दिन सुखाना पड़ा। मिट्टी को पलट पलट कर धूप दिखाना चाहिए ताकि मिट्टी में पड़े चींटी, अंडे, लार्वा मर जाए। मिट्टी को भुरभुरी बनाने के लिए मैंने 1/2 बोरी रेत मिला दी है। बलुई मिट्टी में सभी प्रकार के कंद वाली सब्जी बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। फिर 1 बोरी गोबर की खाद मिला दी है। मेरी खाद एकदम सूखी हो गई है। कैल्शियम के लिए 3 से 4 किलो एग सेल यानी अंडे का छिलका मिलाई हूँ। अगर आप एग सेल नहीं मिलाना चाहते हैं तो चूना या स्टोन डस्ट मिला सकते हैं। मेरे पास एग सेल है तो मैं इसका उपयोग की हूँ। राख, नीम खली और ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनिक एंटी फंगल के लिए मिट्टी में मिलाना ज़रूरी है, ताकि मिट्टी में फंगस ना लगे। इतने ढेर सारी मिट्टी में मैं करीब 1 से 2 किलो राख मिलाई हूँ और 3 से 4 किलो नीम की खली, उसे भी मिला दी हूँ। दोस्तों, सूखे पत्ते और धान की भूसी मिट्टी को एकदम भुरभुरी और हल्की बनाने के लिए इसमें मिलाई हूँ। इन सभी का मात्रा कुछ कम या ज़्यादा हो जाए तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पौधों को कुछ नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा आपके पास जो भी सामग्री होगा आप मिला सकते हैं, जैसे बर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, पत्ती की खाद, बोन मील, मस्टर्ड केक, हल्दी, ये सब भी मिला सकते हैं। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके हमें जो भी गमले, ग्रो बैग या कट्टा भरना है उसे भर सकते हैं। दोस्तों, अब हमारी मिट्टी पूरी तरह से शक्तिशाली और भरपूर उपजाऊ हो गई है। हम जब इसमें पौधे लगाएंगे तो पौधे हरी भरी और फूलों और फलों से लदी हुई एफिड से मुक्त हमारे पौधे होंगे।
दोस्तों, पहली बार जब मैं गार्डनिंग की थी तब मुझे अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला था। इस समर की सब्जियों के लिए मैं इसी तरह मिट्टी तैयार की थी, इसलिए मुझे समर की सब्जियां बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त हुई हैं। मैं भी देखकर और कर करके ही सीखी हूँ, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। दोस्तों, मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।